गुड मॉर्निंग सभी को, और अभी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ उन भाइयों से, जो भाई हमारे बाबा बैद्यनाथ हम आए हुए थे और उनसे मैं नहीं मिल पाया, तो सबसे पहले उनसे क्षमा चाहता हूँ। और दूसरी बात, जिन्होंने मेरे दुख को समझा और सपोर्ट किया, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। और सब एक ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मकसद है कि कुछ भाइयों से मैं मिल नहीं पाया, और बहुत सारे भाई ने मुझे कॉल भी कर रहे थे जो कि मैं पिक नहीं कर पाया, तो मैं उनकी जो कन्फ्यूजन है उनको मैं दूर करना चाहता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा ये, मतलब एक या दो तीन मिनट तक मैं इनको कवर कर दूँगा। तो जो भाइयों को लगता है कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ और रिसीव नहीं कर रहे थे, तो मैं उनको बता दूँ कि मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि मेरी आंटी डेट कर गई है, जिसके वजह से मैं गांव गया था। शायद वो उन सारे वीडियो को नहीं देखे होंगे, शायद इसलिए नहीं पता चला होगा। तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट में ऐसा लिखा है, भला बुरा लिख दिया है। तो क्योंकि देखिए, वो चीज़ों को समझे नहीं थे और शायद नहीं देखे थे, इसलिए उन्होंने बोला। तो सबसे पहले कि अगर आप किन्हीं को कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले उनको जान लीजिए। और तो मैं बता देता हूँ कि मेरी आंटी का डेट हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग का जो श्राद्ध कराने के लिए हम लोग गाँव गए हुए थे। गाँव जाने के लिए गाँव गए थे, और जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे थे वो नंबर मैं घर पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो मेरा देखभर वाले घर है वहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट को रखा था, और उनसे मेरे बातचीत होते रहे, और किसी प्रकार से कुछ भी यहाँ पे होता है तो वो मुझे इन्फॉर्म करे, तो वो फ़ोन में यहाँ पे ही छोड़ दिया था ताकि उनसे बात हो जाए, क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं था। और मैंने ही उनको बोला था कि कोई भी फ़ोन आए तो रिसीव नहीं करने के लिए, क्योंकि वो क्या जवाब देते बताइए, जो बच्चे नवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और उसको पता नहीं है हमारे हम क्या किनका कॉल आ रहा है, तो वो क्या जवाब देते। इसलिए उनको बोले अननोन नंबर आएंगे तो रिसीव नहीं करना है, और हम लोगों का नंबर तो ऑलरेडी उस नंबर पर सेव था, तो इसलिए उनको बोले थे उस पर कुछ भी हो हम लोग कॉल करेंगे, उस पर पिक करना है। तो यही बात हुआ था और उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया। तो इसी वजह से बहुत सारे भाइयों ने कॉल किया कि मैंने बहुत बार कॉल किया, पिक नहीं किए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे थे ही नहीं, गांव में थे इसलिए नहीं रिसीव कर पाए, उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि सारे वीडियो आप देखें, ताकि जो भी चीज़ मेरे साथ घटित होता है या तो जो भी मैं कह रहा हूँ और नहीं रिसीव होने के का कारण है, वो सारी चीज़ आपको समझ में आए। और जो भाइयों ने देखे पूरा वीडियो, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने अच्छे कमेंट्स भी लिखे हैं, तो थैंक यू उनके लिए। और मैंने लगभग सावन में 5000 से प्लस कॉल को रिसीव किए होंगे, और बहुत सारे कवरियों भाइयों से मिले हैं। भले मैं सभी का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कवरिय भाई थे जो जल्दीबाजी में थे, सिर्फ हमसे मिले और वीडियो कवर नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने उन सारे वीडियो को नहीं अपलोड किया। तो बस इतना ही बताना था। तो प्लीज़ आप कुछ बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे दर्शक हैं सबसे मिलूँ। अब आप कॉल कीजिएगा, अभी नहीं, 15 अगस्त के बाद आप कॉल कीजिए मुझे, मैं आप लोगों से पूरा मिलूँगा, क्योंकि अभी तो 15 अगस्त तक मैं पूरा काफ़ी बिजी हूँ। आप कभी भी कॉल कीजिए भाई, आप देखभर में जिस एरिया में रहेंगे वहाँ जाके मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं पता है जो भी हमसे मिले हैं जहाँ पे भी कॉल किए मैं पहुँचा हूँ कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जो भाई हमसे मिले हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ तक कि गोड़ियारी नदी तक जाके हम मिले हैं, धुमा बॉर्डर मिले हैं, और फिर बोल सकते हैं सराशनी मिले हैं, और फिर बोल सकते हैं आपका घोरमारा जो धर्मशाला है वहाँ जाके मिले हैं, बहुत जगह जहाँ पर मुझे कॉल करते थे उनको, जहाँ कॉल करते थे वहाँ पे हम पहुँच के उनसे बातें करते थे, ठीक है। लेकिन मेरी क्या भी गलती है, अब मेरे साथ कुछ ऐसा घटना घट गया जिसके वजह से मुझे समय नहीं दे पाए, और आपको पता है चुतक में हम कैसे जाते कवरिया पथ, इसलिए नहीं हम लोग जा रहे थे, और वीडियो भी मैंने नहीं कवर किया 10-15 दिन से। तो ये सारी भी समस्या था मेरे पास, ठीक है। तो इस बातों को समझिएगा, और कुछ नहीं, लास्ट में जय हिंद जय भारत।